हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बकरा ईद है और हम अपने बकरों को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो हमने अपने बकरों के लिए चने की चूनी परचेस की। तो चना की जैसे महंगा होता है फ्रेंड्स, 72 और 75 रुपीज़ पर केजी मिलता है हमारे यहाँ, तो हम चने की चूनी परचेस करते हैं फ्रेंड्स। वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, वो हमें 23 रुपीज़ पर केजी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कल गया था चने की चूनी परचेस करने, तो हमने अपने बकरों के लिए 20 किलो चने की चूनी परचेस की है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे दो चीज़ें मिलती है, जो कि एक चने का छिलका होता है और एक चने की चूनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो चने की चूनी होती है उसमें थोड़ा बहुत आपको चना मिलता है, थोड़ा बहुत क्या आपको चना रहता है उसमें, और जो आप छिलका देख रहे हैं वो सिर्फ फ्रेंड्स छिलका होता है। तो ये सस्ता पड़ता है फ्रेंड्स, ये 20 रुपीज़ पर केजी मिलता है। तो ये सिर्फ बकरों का पेट भरने के लिए होता है, ना कि इससे बकरों को कोई फ़ायदा होता है। तो इससे बकरों को कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ बकरों का पेट भरता है। तो आप चने की चूनी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए फ्रेंड्स, वो बकरों को फ़ायदा करता है। उसमें चने की मात्रा होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चूनी है, तो इस चूनी में चने की मात्रा है, छिलका है बट वो कम होता है, और इसमें चने की मात्रा रहती है, और जो छिलका है फ्रेंड्स उसमें सिर्फ छिलका होता है। तो वो बकरों के पेट भरने के लिए अच्छा होता है। अगर आपके बकरे का अगर आपके बकरों को वेट गेन कराना है, या फिर अगर आपके बकरों को अच्छा फीड देना है, तो आप चने की चूनी दे सकते हैं। छिलका आप 20 रुपीज़ के जी मिलता है, पर उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वो पेट भरने के काम आता है बकरों का। और ये चूनी फ्रेंड्स बहुत फ़ायदेमंद है बकरों के लिए, तो आप यूज़ करें इसे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।